आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे शनिवार का वो एक उपाय जिसे जादू टोने से आपका जो घर है वो मुक्त हो जाएगा। देखिए, घर में रुपए पैसे गहने अपने आप गुम हो जाते हों, घर में बर्तन इत्यादि अपने आप गिरते हों, टूटते हों, अशांति हो, बरकत नहीं हो, अचानक घर में बदबू फैल जाती हो, यह सब ऊपरी कसर की निशानियाँ हैं। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे शर्तियाँ 40 दिन में ऊपरी बाधा भी दूर होगी और शांति समृद्धि भी होगी। नित्य प्रतिदिन सूर्यास्त के समय स्नान करके किसी साफ मांजे हुए बर्तन में गाय का ताज़ा 200 ग्राम दूध लेकर उसमें 9 बूंद शहद डाल दीजिए। घर के सभी कमरों में ऊपर से नीचे किसी पुष्प के द्वारा छीट दीजिए, जो बच जाए उसको घर के बाहर दाएं हाथ की साइड में उड़ेल दीजिए। गर्म कच्चे कोयले पर एक चम्मच गुगल, लोबान, हर्बल डालकर सारे घर मकान दुकान में धुनी कर दीजिए। 40 दिन करने से यकीनन लाभ होगा। हर शनिवार किसी शमशान से 2 लीटर पानी भर के ले आओ, एक पत्ता पीपल का भी तोड़ के ले आओ। पानी को किसी मिट्टी के घड़े में भर लो, ढक्कन भी लगाकर घर के साथ नॉर्थ ईस्ट कोने में रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोने, और पीपल के पत्ते को तकिए के गिलाफ में डाल दीजिए। 7 दिन बाद अगले शनिवार घड़े को वापस शमशान के पीपल के नीचे डाल दीजिए, पीपल का पत्ता भी वहीं पीपल के नीचे रख दीजिए। दोबारा फिर 2 लीटर पानी भरो और एक पीपल का पत्ता तोड़कर घर ले जाकर पानी के घड़े में डालो, पत्ता तक्की के गिलाफ में रख दो। ऐसा 7 शनिवार कीजिए। 7वें शनिवार घड़ा, पानी और पीपल के पत्ते समेत शमशान घाट में पीपल के नीचे रखो। ये उपाय करने से भूत प्रेत, ऊपरी कसर, जादू टोना सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।